ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां जाहिर थान में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें झारखंडी भाषा संघर्ष समिति व अन्य संगठन के सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। वहीं इसमें पारसनाथ बचाओ अभियान तेज करने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही 15 जनवरी को पारसनाथ पहाड़ बचाओ हेतु झारखंड के ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग व मूलवासियों ने पहुंचने का आह्वान किया। वही खतियान विरोधी दिए गए बेतुका बयान के विरुद्ध पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही खतियान आधारित नियोजन नीति पर कड़ा निर्णय लेते हुए समिति ने कहा है कि झारखंड के जल जंगल जमीन और पहाड़ को बचाने के लिए सभी झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट है। पारसनाथ जो मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव है झारखंड के लिए। झारखंडियों का अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, और हम लोग को बेदखल करने के लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभ्यता को भी मिटाने का प्रयास हो रहा है। हम लोग को तरह तरह के एलिगेशन लगा करके पारसनाथ से जिस तरह से हटाने का षड्यंत्र रचा गया है। पारसनाथ को सरकार ने पहले बोला गया था कि वो पर्यटन स्थल बनेगा, उसको वापस सरकार ले ली है, तो उसी पर हम लोग आक्रोशित हैं। और भाषा झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जिसने एक साल पहले उलगुलान फूका था भाषा और के विरोध में, यही बोकारो की धरती से वही आंदोलन अब पारसनाथ बचाओ के लिए हम लोग एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं, इसी पर हम लोग के लिए आज बैठक की है। बरसों से सदियों से परंपरागत रूप से जो चली आ रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, जहां तक सुधारा जाए, ना कि बिगाड़ा जाए। हम तो कहेंगे कि सभी में भाईचारा, एकता और ये जो सामंजस्य है, झारखंड की जो संस्कृति है मिलजुल कर रहने का और भाईचारे का, उसको बनाए रखा जाए और जिस तरह से चल रहा था उसी तरह चला जाए। और ये जो छेड़छाड़ है बोला जाए, जैसे कि आदिवासी मूलवासी का वहाँ पर जहार थान है, वहाँ मरंग गुरु का स्थान है, वहाँ पूजा स्थल भी रहने दिया जाए, और जो जो भी पेयजल पे पीते हैं वो जो है हड़िया है या जिस तरह से है, उनका उस संस्कृति को भी बचाया जाए, उसके लिए भी संरक्षण किया जाए। और वहाँ पर खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकासखंड मनियर अंतर्गत के ग्राम पंचायत बालूपुर में हो रहे कार्यों की प्रशंसा ग्रामीणों ने की। वही ग्रामीणों का कहना है कि 20 वर्ष से जो प्रधान रहे गांव में विकास नहीं कर पाए, वह आज वर्तमान प्रधान सुमन देवी ने किया है। वही जब मीडिया कर्मी ने ग्रामीण जनता से पूछा तो उन्होंने कहा कि गाँव में बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, साथ ही इस तरह के किसी भी प्रधान के कार्यकाल में ऐसा कार्य नहीं हुआ। वही एडीओ पंचायत मनियर द्वारा बालूपुर ग्राम पंचायत के कार्यों को देखकर कहा गया कि इस तरह के कार्य हर ग्राम पंचायत को देखकर करना चाहिए। संदेश जाए कि जनता नौजवान प्रधान नौजवान है और उसको काम करने का लगन उसके शरीर में पैदा है और गांव के विकास के विषय में सोच रहा है और गांव का विकास कर रहा है, गंदगी से मुक्त कर रहा है गाँव को। प्रधान जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं जनता के हित में, जो कि राम तपेशा वर्मा जी 13 वर्ष 15 वर्ष रहे कुछ नहीं किए, उसके बाद जंग बहादुर जी थे 5 वर्ष वो भी लूट फोट किए, राम जी यादव जो सपा जिला अध्यक्ष है वो जिला अध्यक्ष नहीं है विधानसभा अध्यक्ष है, सिकंदरपुर विधानसभा अध्यक्ष है, वो कुछ नहीं किए 15 साल में, जो कि ये जो किसान के बेटा गरीब के बेटा जो प्रधान बने हैं जो वर्तमान के, हाँ वर्तमान के चंदन जी जो काम कर दिए है कोई जवाब ही नहीं। क्या क्या किए हैं अभी? नाली का काम किए हैं, इंटरलॉकिंग का काम किए हैं। सर पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर कि आप लोगों के माध्यम से हमको ये गांव की निम्न प्रकार की जो काम किए हैं बताने का मौका मिला है, तो हम इस मौका को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कि हमारे एडीओ पंचायत सर ने कल हमको ब्लॉक पर बुला करके तारीफ किए, मनियर एडीओ मनियर एडीओ पंचायत जी बोले कि प्रधान जी आपका जो कार्य है सराहनीय है और आपका जो काम है मंडल में घूम रहा है और आपके गांव को लेकर के ये हो रहा है कि बालूपुर में जो काम हो रहा है वैसे हर गाँव में काम हो, और जैसे बालूपुर के प्रधान जी जो कर रहे हैं वैसा सभी गाँव को करना चाहिए। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एडीओ पंचायत सर का, बीडीओ साहब का, कि जो हमारे काम को इतना सराहा है, इसमें हमारे सचिव साहब श्री दिनेश सिंह जी ये हमको भरपूर सहयोग दिए हैं और हम लोगों ने गांव को एक निम्न ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें सारे हमारे गांव के जितने देवतुल्य जनता जनार्दन है हमको सपोर्ट किया है और
जो चीज जो आवास से वंचित है उनको आवास दिलाने का काम कर रहे हैं, नाली स्वच्छता पे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सिकंदरपुर जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में विवेकानंद की जयंती मनाई गई। वही जयंती पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि विवेकानंद एक साधारण परिवार के थे, लेकिन कोलकाता के काली मैया के स्थान पर जाकर अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए उन्होंने हमारा देश शक्तिशाली हो या वरदान मांगा। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाकर काफी गौरवान्वित महसूस होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विवेकानंद प्रबुद्ध संस्थान शुरू करने में हर संभव सहयोग मिलेगा। साथ ही वह पूर्व MLC प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। बता दें कि कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। चंद्रपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं आया था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और मैं यहाँ के लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के पिछले 15 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता रहा है, मैं सभी आयोजक बंधुओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर इन चीज देखिए, माननीय राहुल गांधी जी गलत समय पर यात्रा निकाल रहे हैं, देश बहुत मजबूत हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारत को मिला है, भारत बहुत शक्तिशाली हुआ है, जो दो देश आपस में लड़ते हैं वहाँ भी भारत में तिरंगा पहुँचता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी ताकतवर लोकप्रिय नेता है। इसलिए यदि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया उसके लिए प्रायश्चित यात्रा निकालते, जो गलतियां हुई उस गलतियों पर प्रायश्चित यात्रा निकालते, देश की जनता ज्यादा। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां जिले के निसरपुर चौकी अंतर्गत गणपुर लिंगवा पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि बीती शाम बड़वानी की ओर से आ रहे ट्रक और निसरपुर की ओर से आ रही कार के बीच यह हादसा हो गया। वही ट्रक का काफी नुकसान भी हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर कार चालक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बताते चले कि कार चालक अकेला कार चला रहा था, सामने से आ रहे ट्रक में भिड़ंत होने के कारण कार चालक घटना में घायल हो गया, जिसे स्वास्थ्य उपचार को लेकर बड़वानी रेफर किया गया है। खबर बेतिया से है, जहां गुरुवार रात में वाल्मीकि प्रेस क्लब व जिला प्राधिकरण सेवा के बैनर तले जाड़े से छिछुरते हुए जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर गर्म कपड़े के रूप में कंबल का वितरण किया गया। वही लोगों का कहना है कि चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया के संगठन ने एक साथ इस प्रकार का कार्य किया है, जिसने हर जरूरतमंद ठंड से छिछुरते लोगों को राहत प्रदान की है। वही मौके पर वाल्मीकि प्रेस क्लब के सभी सदस्यों की भूमिका भी सराहनीय रही। बताते चले कि क्लब द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्य की सराहना आम जनता ने की है। वही वाल्मीकि प्रेस क्लब के सचिव निरंकार भास्कर ने कहा कि हमेशा इस तरह का कार्य किया जाएगा जो जनहित के लिए रहेगा। खबर नरकटियागंज से है, जहां नगर परिषद चुनाव में निर्वाचित सभी जन प्रतिनिधियों को अनुमंडल के सभागार भवन में उनके कर्तव्य व दायित्वों का शपथ ग्रहण करवाया गया। इस दौरान पहले उपसभापति पद से निर्वाचित पूनम देवी को अपर समारता सहलोक निवारण पदाधिकारी बेतिया अनिल कुमार राय द्वारा उनके कर्तव्य व दायित्वों के प्रति शपथ दिलवाई गई। आपको बता दें कि नरकटियागंज में कुल 25 वार्ड हैं, यहां सभापति पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है। बता दें कि उपसभापति एवं वार्ड पार्षद पद के लिए पहले चरण में 18 दिसंबर को मतदान किया गया था। खबर राजगढ़ से है, जहां करनी सेना के कार्यक्रम में किरात समाज के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि राजगढ़ जिला के जीरापुर क्षेत्र के किरार समाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व किरार समाज को करनी सेना के लोगों द्वारा अश्लील गालियां देकर वीडियो वायरल करने पर किरार समाज में काफी रोष व्याप्त है। वही किरार समाज के संगठनों के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विगत 8 जनवरी को भोपाल में करनी सेना संगठन द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अशोभनीय एवं शर्मनाक घटिया हरकतों से हमारे किरार समाज को आघात व काफी ठेस पहुंची है। साथ ही किरार समाज ने उक्त व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
खबर पीलीभीत से है, जहां पेड़ से पत्ते तोड़ते समय एक ई रिक्शा चालक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे नीचे गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिसे मौके पर पहुंचे युवक के परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए पुलिस को सूचना दिए बगैर ही मृतक युवक का शव लेकर घर चले गए। व्यक्ति था जो 23 साल इसकी उम्र थी, हबीबगंज गौटिया का शायद रहने वाला था। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा था कि करंट लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। जब अस्पताल पहुंचने से पहले इसकी मृत्यु हो चुकी थी। पीएम वगैरह के लिए परिजनों ने क्या कहा? हाँ, पीआई वगैरह भर के भेजती थी, बाकी जो परिजन है उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। पीएम का खबर बिजनौर से है, जहां रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री प्राप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं शासन के आदेश के बाद भी उपनिबंधक कार्यालय में आज प्राइवेट कर्मचारियों के काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चांदपुर रिकॉर्डिंग सेंटर उपनिबंधक कार्यालय में आज प्राइवेट कर्मचारी रखे हुए जो बैनामे की प्रतिलिपि के नाम पर जमकर अवैध तरीके से वसूली करते हैं। साथ ही अधिवक्ताओं का कहना है कि उपनिबंधक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपनिबंधक द्वारा आज प्राइवेट कर्मचारियों को कार्यालय में लगाया गया है, जो कि 2% के हिसाब से पैसे मांगते हैं। क्या मामला है जो आज बार ने जो है विरोध प्रस्ताव पास किया है सब रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में? देखिए, ऐसा है कि सब रजिस्ट्री कार्यालय में आज की तारीख में 7-8 प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वो इस तरह उन्होंने लूट खसोट मचा रखी है कि जो 20 रुपए का काम है, नकल सवाल का, सर्टिफाइड कॉपी उसकी दस्तावेजों की प्राप्त करने वकील जाते हैं और लीड राइटर जाते हैं, 20 रुपए का काम है, 20-30 रुपए की रसीद कटती है, वो लोग 250-300 रुपए लेते हैं, और अर्जेंट में नकल बनाने के नाम पे वो 500-1000 रुपए तक भी लेते हैं, वसूलते हैं। पब्लिक आती है, ग्रामीण पब्लिक आती है, दस्तावेज रजिस्टर करने के नाम पे 2% कमीशन नहीं देते, तो उनको तरह तरह से हमारे अधिवक्ताओं साथियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। प्राइवेट लोग हैं, कुछ गुंडई किस्म, उन्होंने डिक्टेटरशिप अपना सब रजिस्ट्री ऑफिस में चला रखी है और सभी के साथ बुरा प्रताप कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने जो है एक मीटिंग कॉल की है, और हमारी मांग है आपके माध्यम से भी और जिलाधिकारी महोदय से, हमारी ये मांग है कि वो व्याप्त हमारे सब रजिस्ट्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और प्राइवेट लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो मनमाने तौर पर जो है यहाँ पर पब्लिक से पैसा वसूलते हैं हमारे। खबर कौशाम्बी से है, जहाँ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडों को सबक सिखा रहे, लेकिन योगी राज के बाद तो फेल होते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर एक पत्रकार को 5 दबंगों ने बेखौफ होकर घर में घुसकर लुलुहान कर दिया। वही इन 5ों के ऊपर कोई ना कोई मुकदमे पहले से दर्ज है। पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि नाजायज बंदूक लेकर रात में निकलते हैं, वगांव भी इनसे डरा व सहमा हुआ है, साथ ही किसी न किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाने की धमकी देते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार में पत्रकारों को आखिर न्याय मिलता है या नहीं, या फिर वहां पर दबंगों का ही राज कायम रहेगा। वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।